सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू आकाश टॉक। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यार एसओपी या फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को लेकर, ठीक है। तो अगर तुम ये वाला वीडियो को यार अभी देख रहे हो तो यार ये ऑलरेडी अपलोड है हमारे ऐप के अंदर, जो हम बहुत दिन पहले अपलोड कर दिए थे, ठीक है। तुम लोग थोड़ा देर में देख रहे हो, दोज आर वॉचिंग इट फ्रॉम यूट्यूब चैनल ऑफ आकाश टॉक, ठीक है। अच्छा कोई नहीं यार, उसको छोड़ दो यार, ठीक है। अच्छा हम पहले बात करेंगे यार एसओपी है क्या एंड इसको कैसे लिखा जाता है, इसका क्या क्या फॉर्मेट है, हर एक चीज को डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं, क्योंकि आज से यार 15-20 दिन के अंदर तुम लोग के यार एग्जामिनेशन है आईएससी, ठीक है। अच्छा पहला बात तो ये कि भैया ये एसओपी है क्या, एसओपी क्यों लिखा जाता है एंड इसका रीजन क्या है। यार एसओपी का मतलब है यार स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, राइट। क्या मतलब है इसका, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इसका यार मेन पर्पस क्या है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, योर इंटरेस्ट एंड योर मोटिवेशन, ठीक है। अगर एक आसान तरीके से यार बताया जाए तो इसका मेन बात है कि इफ यू वांट टू गो और इफ यू वांट टू परस्यू एनी काइंड ऑफ जॉब्स, फॉर एग्जांपल इफ यू टू अप्लाई फॉर जॉब इन और इफ यू टू परस्यू हायर एजुकेशन, ठीक है, तो ऑन दैट केस हमको अपने बारे में बताने के लिए बोला जाता है, ठीक है। मान लो कि तुम एक जॉब के लिए अप्लाई कर गए, करने के लिए गए हो, ठीक है, तुम्हारा अभी प्लेसमेंट लग रहा है, ठीक है, एंड तुम देख रहे हो तुम्हारे साथ और 100 बंदे बैठे हैं, ठीक है, फिर 100 कैंडिडेट्स बैठे हैं जो तुम्हारे तरह ही सेम इक्वली एजुकेटेड या फिर क्वालिफाइड है, तो उधर तुम्हारे अंदर क्या एक्स्ट्रा पोटेंशियल पावर जो तुम इन सारे कैंडिडेट से अपने आप को थोड़ा ऊपर जाके लिफ्ट कर सकते हो, मीन्स तुम्हारे अंदर ये क्या एक्स्ट्रा पोटेंशियल है, वो तुमको इस एसओपी के द्वारा दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे यार मैं सबसे बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट, नो, तुमको ऐसे नहीं बताना है, ठीक है। कैसे बताना है यार, तुमको इसका एक अच्छा सा एक इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है, जिसके अंदर तुम्हारे अपना इंट्रोडक्शन रहेगा, अपना इंटरेस्ट रहेगा एंड अपना मोटिवेशन रहेगा, या फिर तुम क्या करना चाहते हो। अगर मान लो कि तुम कोई टेक कंपनी पे जा रहे हो, ठीक है, तो ऑन दैट केस तुमको ये बताना पड़ेगा कि हाँ यार मेरा ये नाम है, मैं इधर से क्वालिफाइड हूँ, मेरा ये बैकग्राउंड है, मैं सीएससी लेके यार पास आउट हुआ हूँ, ठीक है, मेरा इतना सीजीपीए था एंड मैं इतने इतने ऐप्स वेबसाइट्स के अंदर मेरा कोडिंग स्किल इतने अच्छे है, तो मैं ये सब काम मैं करके रखा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है। एंड इसके साथ यार मेरा ये टारगेट रहेगा कि अगर मैं आपके कंपनी पे जाता हूँ तो मैं नेक्स्ट 2 साल से आपके दो साल के अंदर मैं आपके कंपनी को एक ऐसे जगह में पहुँचवा दूंगा जो शायद आप सोचे नहीं हो, या फिर एक अच्छा जगह में पहुँचा देंगे, ठीक है। तो यू हैव टू स्टार्ट दैट थिंग लाइक दैट वे, ठीक है। अच्छा इसके साथ इलाबोरेट ऑन योर एकेडमिक्स इंटरेस्ट, मान लो कि तुम कोई भी, अगर हम बात करेंगे जॉब्स छोड़ के, अगर तुम मान लो कि हायर एजुकेशन के लिए तुम फॉरेन के कोई यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो, मान लो स्टैनफर्ड, हार्वर्ड, कुछ भी, ठीक है, तो उधर तुमको ये बताना पड़ेगा, उधर हर एक यूनिवर्सिटी तुमसे चाहता है कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ या फिर अपने बारे में एसओपी दो अपना, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दो। ऑन दैट केस तुमको बताना पड़ेगा तुम अपने एकेडमिक्स, तुम आईएससी में या फिर आईसीएसई में कितने नंबर स्कोर किए थे, ठीक है। तुम आज फॉर एग्जांपल इंग्लिश ऑनर्स लेके परस्यू करने वाले हो तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, या फिर तुम मतलब क्या किए हो, मतलब कुछ स्टोरी लिखना, पोएम्स लिखना, नोवेल करना, मतलब क्या किए हो, ठीक है। फॉर लाइक तुम जिस फील्ड में जाओगे उसके बारे में तुम्हारा जो इंटरेस्ट है उसको बताना है, नॉट इन अ एक्टिव, मतलब नॉट इन अ पैसिव वे बट इन अ एक्टिव वे, ठीक है। अच्छा हम आ रहे हैं उसके ऊपर। अच्छा इसके साथ तुम वो वाला जॉब्स क्यों चाह रहे हो, अगर तुम जॉब्स के लिए एसओपी लिख रहे हो, या फिर अगर तुम वो वाला इंस्टीट्यूट में क्यों एडमिशन ले रहे हो, उसके लिए तुमको यार देना पड़ेगा गिव कन्विंसिंग रीजन फॉर ज्वाइनिंग दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और अप्लाइंग फॉर दैट जॉब। मीन्स यू हैव टू गिव योर पर्टिकुलर, मीन्स वाई यू वॉन्ट टू गो फॉर दैट जॉब, वाई यू वॉन्ट टू गो फॉर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, वाई यू वॉन्ट टू, मतलब अगर बात करेंगे जॉब की, या फिर वाई यू वॉन्ट टू गो फॉर स्टैनफर्ड, हार्वर्ड, और वाई यू वॉन्ट टू गो फॉर दिस गुड यूनिवर्सिटीज या फिर इंस्टीट्यूशन, इसका रीजन क्या है, ठीक है। तुमको उसके बारे में बताना है कि तुम्हारा ये इंटरेस्ट है एंड वो वाला जॉब्स तुमको ये चीज़ ऑफर कर रहे हैं, या फिर वो वाला यूनिवर्सिटीज तुमको ये अच्छा अच्छा चीज़ दे रहा है, तुम शायद अपने सीनियर से उसके बारे में यार जिक्र सुने हो, लाइक दैट। देखो यार बहुत सिंपल है, बहुत आसान भाषा में तुमको लिखना है, ठीक है। अच्छा इसके बाद एम्फसिस इज एवरीथिंग फ्रॉम अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव एंड इन अ एक्टिव वॉइस, ठीक है। मीन्स तुम जो भी यार करना चाहते हो तुमको, मतलब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, यू हैव टू मेंशन दैट थिंग एंड अलॉन्ग विद दिस जो भी यार बताएंगे वो मैं एक्टिव, यार एक्टिव पैसिव हम बचपन में किए थे यहाँ, ठीक है, तो उसके बारे में तुमको जिक्र करना है। अच्छा इसके साथ तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, तो जो लोग ये वाला वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हो, ठीक है, तुम आफ्टर 12 क्या लेके परस्यू करना चाहते हो अपने लाइफ में,
ठीक है, मेरे को बताना जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, डेमोन्स्ट्रेट एवरीथिंग बाय एग्जांपल, डोंट से डायरेक्टली। मतलब भैया कैसे, मतलब कैसे बोलेंगे यार, ठीक है। अगर हम आसान तरीके से बोला जाए तो मैं बोलूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा वीडियोज़ में इतना व्यूज़ आया था, ठीक है, नो। मैं इतना बोलूँगा कि यार मेरे को वीडियोज़, मेरे को एडुकेशनल कंटेंट बनाने में मेरे को अच्छा लगता है, ठीक है। एंड ये एडुकेशनल कंटेंट बना के मैं अपने सेटअप का क्वालिटी भी इम्प्रूव किया हूँ, ठीक है। एंड इसके साथ साथ लाखों के बच्चे को फ़ायदा भी मिला है इससे, ठीक है। एंड इसके साथ साथ मेरा खुद का नेट का, फ़ोन का, ये सब का खर्चा भी उड़ जाता है बाय डूइंग दिस और बाय मेकिंग दिस एडुकेशनल कंटेंट दैट आई यूज टू लाइक। एंड इसके साथ मैं अपने थोड़ा सा मनी सेव करके मैं एक ऐप भी यार ओपन किया हूँ जिसका नाम है आकाश टॉक्स, जो प्ले स्टोर के अंदर अवेलेबल है, वो भी यार मैं किया हूँ मैं ये एडुकेशनल कंटेंट के हेल्प को लेकर, या फिर मेरे हर एक भाई एंड बहन जो मेरे वीडियोस देखते हैं उनके हेल्प लेकर, ठीक है। तो इसको बोला जा रहा है कि डोंट से इट डायरेक्टली बट से इट विद एन एग्जाम्पल, अपने आप को एग्जाम्पल खड़ा करो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हाइल यू आर राइटिंग एन एसओपी। इससे ज़्यादा बताने के वाला कुछ है नहीं, मैं वीडियो इधर क्लोज कर रहा हूँ यार इंस्टाग्राम के अंदर, या फिर मैं इसका पिक्चर डाल, अगर तुम ऐप में देख रहे हो तो ऐप के अंदर भी मिल जाएगा पिक्चर, अगर तुम YouTube में देख रहे हो तो लर्न विद आकाश के Instagram पेज में हम, या फिर Instagram में हम डाल देंगे इसका क्या फॉर्मेट है, दैट्स इट। इतना करके जाओ, तुमको डायरेक्ट राइटिंग अगर SOP आता है इस बार लिख के आ जाना, दैट्स इट। गुड बाय, गुड नाइट। एंड वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में। गुड बाय।